फ्रेंड्स, गर्मियों में जब ये समझ में नहीं आता कि क्या बनाएं, तो आज मैं आपके साथ मूंग बड़ी की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कुछ दिन पहले मैंने मूंग बड़ी कैसे बनाते हैं इसका वीडियो डाला था, तो बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि इसकी सब्ज़ी किस तरह से बनाई जाती है, आप प्लीज़ बताइए। तो आज मैं इसको शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और हेल्दी तो होती है, क्योंकि ये मूँग की दाल की बड़ियों से बनती है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएं। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो मैं हूँ नीता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुक विद नीता में। तो यहाँ पे हमने आधी कटोरी मूंग बड़ियाँ ली है। ये घर की बनी मूंग बड़ियाँ हैं, इसका वीडियो मैंने पहले डाला हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इतनी बड़ियों से 4 कटोरी सब्जी आराम से बन जाती है। मूंग बड़ी मार्केट में भी बड़ी आराम से मिलती है। तो सबसे पहले इन बड़ियों को थोड़ा थोड़ा एक अमान दस्ते में डालकर इस तरह से हल्का सा क्रश कर लेते हैं। इनको बहुत बारीक चूरा नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा क्रश करना है। बड़ी आराम से ये हो जाती है। अगर अमान दस्ता नहीं है तो इस तरह से कटोरी की सहायता से भी हम इसको क्रश कर सकते हैं। ये देखिए, मैं दोनों तरह से आपको क्रश कर कर दिखा रही हूँ। ये देखिए, बहुत ज़्यादा चूरा नहीं करना है, बस इस तरह से दरदरी इसको थोड़ा सा क्रश करना है। अब हम इसको रोस्ट कर लेते हैं। तो रोस्ट करने के लिए कोई भी कढ़ाई या एक पैन ले सकते हैं। उसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा घी डाला है, आप यहाँ पे 1 चम्मच ऑयल भी डाल सकते हैं, बिल्कुल ज़रा सा। और इसमें हम ये बढ़िया डाल देंगे और इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, 5 मिनट में ये रोस्ट हो जाती है। बड़ियों के रोस्ट होने के बाद हम गैस पर एक कुकर चढ़ा देते हैं। कुकर में हम 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ पर घी का यूज़ भी कर सकते हैं। ऑयल के गर्म होने के बाद यहाँ पे हम 1/2 चम्मच जीरा डाल रहे हैं। इसी के साथ क्रश किया हुआ 3-4 कली लहसुन इसमें मैं डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। लहसुन से मूंगेड़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसको थोड़ा सा चला देते हैं ऐसे। इसमें आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं 1/2 कटोरी मटर डाल रही हूँ, आप यहाँ पे फ्रोज़न मटर का यूज़ भी कर सकते हैं, आलू या गोभी भी डाल सकते हैं साथ में। मटर फूटेंगे, इसके लिए मैं इसको ढक देती हूँ थोड़ा सा। और उसके बाद मैं इसमें 1 टमाटर की प्योरे डाल रही हूँ, जिसमें मैंने 1 हरी मिर्ची भी साथ में पीसी थी। तो यहाँ पे मैं इस प्योरे को इसमें मिला लेती हूँ अच्छी तरह से, और इस तरह से चला देते हैं। थोड़ा सा हम इसको पका लेंगे, टमाटर जल्दी से पक जाएं। इसके लिए मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। यहाँ पर मैंने 1.5 टीस्पून नमक डाला है, आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर दीजिए। कुछ चला देते हैं थोड़ा सा, जब तक कि टमाटर में से तेल छूटने ना लग जाए। तो टमाटर में से तेल अलग हो गया है। यहाँ पे हम कुछ सूखे मसाले डाल रहे हैं। तो मैंने 1 चम्मच सूखा धनिया, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर इसमें डाला है। अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो लाल मिर्च बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से मसालों को मिला देते हैं ताकि वो भी थोड़ा पक जाए। मटर मूंगेड़ी हमेशा आप कुकर में ही बनाइएगा, अगर आप उसको भगोनी या कढ़ाई में बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बन तो तब भी जाएगी। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है मसाला। और अब हम इसमें डाल देंगे जो मूंगेड़ी हमने रोस्ट करके रखी थी, वो हम इसमें डाल देते हैं। और इसको भी थोड़ा सा मसालों के साथ हिला देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 सेकेंड इसको हिला देते हैं। तो इसमें हम कुल 3 कटोरी पानी डालेंगे। तो 1 कटोरी पानी मैंने डाल दिया है, अब मैं 2 कटोरी पानी और इसमें डाल रही हूँ। तो ये 1 कटोरी और ये 2 कटोरी, ऐसे कुल मिला के मैंने 3 कटोरी पानी इसमें डाला है। और इसको मैं थोड़ा सा हिला देती हूँ। फ्रेंड्स, इसमें कुल मिला के हमने 3 कटोरी पानी डाला है, इतनी इसमें ज़रूरत है। ये देखिए, अभी आपको बहुत पतली दिख रही होगी, लेकिन पकने के बाद ये बहुत फूल जाती है, बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है, बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। तो अब हम कुकर का लीड लगा देते हैं और लगभग 3 सीटी आने तक इसको पकने देंगे। देखिए, 3 सीटी आ गई है, अब हम कुकर का लीड खोलते हैं। कैसी लग रही है हमारी मूंगेड़ी? बहुत ही टेस्टी, वाह क्या खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार दिख रही है फ्रेंड्स। और ये देखिए कितनी फटाफट से बनकर रेडी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको थोड़ा सा हरे धनिया से गार्निश कर देते हैं। तो ये देखिए, मैंने हरा धनिया से गार्निश कर दिया। आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं साथ में, वो भी डाल सकते हैं, साथ में थोड़े से आलू भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएं। रेसिपी पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए कुक विद नीता। बाय।